पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के डेलीगेशन ने इलाहाबाद बैंक की मुख्य शाखा पर जोनल हेड से मुलाकात की। इस दौरान एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन सौंपा गया जिसमें अनेक मांगे रखी गईं। निर्यातकों ने अपनी समस्याएं जोनल हेड के सामने रखी। निर्यातकों का कहना है कि बैंक से पैसे नहीं मिल पा रहे हैं जिसके कारण निर्यातकों को आए दिन परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इस दौरान मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के महासचिव अवधेश अग्रवाल और जोनल हेड के बीच गहमा गहमी भी खूब रही। अभी लिस्ट बन रही है, कलकत्ता बात हुई है, एमजीएम से बात हुई है, तो जो हमारे बस में है एक्चुअली क्या है कि पेमेंट रिलीज करना हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके लिए बैंक ने जो भी सिस्टम एस्टेब्लिश किया है आरबीआई गाइडलाइन से उस पर हो रहा है और नाम सब पे जा चुके हैं सर। वो लिस्ट टाइम से बन रही है, अगर रिलीज कर सकता हो तो मैं कर सकता हूँ, अगर ये हमारी पावर होती आज की डेट में हम लोग करना देते। आप बताइए कि कैसे समस्या दूर होगी, वो कर रहे हैं आप। अगर आपके स्तर पर नहीं होगी हम ऊपर स्तर पर जाएंगे, उससे उनको पैसे कैसे होंगे। रमजान का टाइम है, मरने मारने को शाम को दो दो ढाई ढाई सौ कारीगर खड़े होते हैं, पैसे भी अगर आप हमें दे दीजिए, अगर आप मुझे मैं बात कर लेता हूँ, मुझे तो कोई टाइम बात कराएगा फिर। आप जब ये कह रहे हैं आपके हाथ में नहीं है, बात भी आएंगे इस कार्य निर्यातकों के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि निर्यातक का कोई भी भुगतान, चाहे वो एडवांस भुगतान हो या बिल का भुगतान हो, नहीं मिल पा रहा है। प्रतिदिन बैंक ब्रांच के अंदर हंगामा जैसी स्थिति बनी रहती है और कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा। निर्यातक बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हैं। निर्यातकों के द्वारा कहा गया है कि निर्यातकों के आर्टिजन, सप्लायर, कारखानेदार जो निर्यातकों को माल देते हैं उनको भुगतान नहीं हो पा रहा। इसके अलावा माह रमजान का महीना है जिसमें सभी को रुपए की आवश्यकता होती है, भुगतान न करने के कारण उनकी रोजी रोटी और भुखमरी के कगार पर वो पहुँच चुके हैं। काफी गहमा गहमी के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि एक दिन के समय के पश्चात सभी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। निर्यातकों का कहना है कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो एक दिन बाद सभी निर्यातक इलाहाबाद बैंक का घेराव करेंगे। लगभग एक माह से जो पैसा है वो पीसी रिलीज नहीं हो रही, जो उनके पेमेंट्स हैं वो उनके अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं हो रहे, जो कि हमारे संज्ञान में हमारे निर्यातकों द्वारा चार दिन पहले लाया गया, जिसके फलस्वरूप हमने इनके सब अधिकारियों को लिखित रूप से लिख के दिया और आज हमारे डेलीगेशन ने इनके अधिकारियों से भेंट की, जिसमें उनका टाला मटोली का एक रवैया था कि हो जाएगा कर जाएगा, लेकिन बाद में सारी वार्ता होने के बाद ये तय किया गया कि कल शाम तक मैक्सिमम निर्यातकों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर परसों तक हमारे निर्यातकों की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो ना बैंक का कोई अधिकारी बाहर जाएगा और ना अंदर आएगा जब तक कि हमारे निर्यातकों की समस्या का निराकरण नहीं आएगा। तकरीबन एक माह हो गया है जी, ना तो हम लोगों को पेमेंट का भुगतान हो रहा है, ना पीसी रिलीज हो रही है, किसी भी तरह का कोई हमें आश्वासन नहीं रोज दे देते हैं कि आज आपकी पेमेंट होगी कल होगी। यहाँ पर सभी निर्यातक आज मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टेशन के महासचिव के नेतृत्व में पूरा प्रतिनिधिमंडल जोनल हेड से और एजीएम से मिला, उनसे वार्ता की, सभी लोग परेशान हैं, निर्यातक इतने दुखी हैं कि उनके पास अब किसी भी कारीगर को, आर्टिजन्स को देने के लिए कोई भी फंड नहीं है। जो भी जिनके पास था, किसी ने अपना गोल्ड बेचकर, किसी ने गिरवी रखकर, किसी ने अपनी एफडीआर तोड़कर कारीगरों का भुगतान किया जा रहा है। आपको पता ही है रमज़ान का महीना है, कारीगर दुगना काम करते हैं, उनको पैसा तुरंत चाहिए। हम लोगों का एडवांस माल उन लोगों के पास पड़ा है, अगर उन्होंने हमारे पैसा नहीं मिला यहाँ पर तो वो लोग हमें ना तो हमारा माल देंगे और हमारा बायर अलग चला जाएगा। क्या क्या आश्वासन मिला है अब इनकी तरफ? हमें आश्वासन दिया है जोनल हेड साहब ने, हमें दो घंटे दो दिन का समय दीजिए, हम आपके इसका आश्वासन हम समाधान निकालेंगे और उसी आश्वासन के ऊपर हम दो दिन के बाद फिर हम यहाँ इकट्ठे होंगे। अगर हमारा दो दिन के अंदर हमें पैसा नहीं मिला समय हमारे निर्यातकों का, हम फिर उसके बाद जो अगला रणनीति है वो हम तैयार करेंगे और उसके बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे।